हेलो गाइस, दिस इज़ शुभदीप। वेलकम टू माय चैनल। तो हमारे चैनल में पावर बी आई इंटरव्यू सीरीज जो चल रहा है, तो डेक्स के अंदर आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है समराइज वर्सेस समराइज कलम्स। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत बार पूछे जाते हैं। देखते हैं इस इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक, तो पहले तो आपको हमारा डेटा सेट दिखा देते हैं। इस टेबल में पहले आप देख सकते हैं डेट है, स्टोर है, सेल्स पर्सन, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस एंड टोटल सेल्स। ठीक है, तो समराइज और समराइज कलम्स में जो मेन डिफरेंस है वो है, समराइज कलम्स जो है वो है एक अपडेटेड वर्शन ऑफ समराइज। ठीक है, समराइज कलम जो फंक्शन है वो है समराइज का जो अपडेटेड वर्शन वो है। ठीक है, तो समराइज में पहले कैसे क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, तो इधर आप देख सकते हैं समराइज में हमको फिल्टर करने के लिए इनबिल्ट फंक्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर हम ऐसे देखते हैं समराइज को, इधर आप देख सकते हैं टेबल नेम है, उसके बाद ग्रुप बाय कॉलम नेम है और नेम है। ठीक है, इधर आपको फिल्टर करने के लिए कोई भी नहीं मिलेगा, कोई भी फंक्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसी के लिए हमको कैलकुलेट टेबल फंक्शन का यूज़ करना पड़ा। कैलकुलेट टेबल फंक्शन देखते हैं क्या होता है। कैलकुलेट टेबल, इसके अंदर आप देख सकते हैं टेबल नेम है और फिल्टर है, और ये जो टेबल है ये हम लेंगे समराइज से। ठीक है, ये हम क्रिएट करेंगे समराइज से। तो इधर आप देख सकते हैं समराइज के अंदर हमने ग्रुप बाई किया किसको, सेल्स पर्सन को, और सेल्स पर्सन टोटल क्वांटिटी कितना सेल किया ये हमको सम करने से मिल गया, और टोटल सेल्स कितना सेल किया ये भी हमको सम से मिल गया। लेकिन उसके बाद हमारा जो टारगेट है वो है सेल्स पर्सन को हमको फिल्टर करना है। इसके लिए हमने इसके अंदर समराइज का जो भी है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब ये जो कैलकुलेट टेबल है इसका फिल्टर फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इस फिल्टर के अंदर हम देख सकते हैं सेल्स पर्सन इन, आप जानते ही होंगे कि दो फिल्टर एक साथ हम यूज़ कर सकते हैं इन के ज़रिए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, कौन से सेल्स पर्सन को हमने फिल्टर किया, रिप्रेजेंटेटिव ए और रिप्रेजेंटेटिव सी। ठीक है, तो ये किया, हम इसको रन किया और हमारा जो आउटपुट आया वो हम देख लेते हैं। समराइज, ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव ए का टोटल क्वांटिटी ये है, टोटल सेल्स ये है, तो रिप्रेजेंटेटिव सी का टोटल क्वांटिटी 2119 है, टोटल सेल्स है 36,213। ठीक है, हम ये ही सेम हमको रिजल्ट मिलेगा समराइज कॉलम से। ठीक है, तो इधर आप देखते हैं पहली चीज़ आपको आप देख सकते हैं कि इधर हमको कैलकुलेटेड कॉलम हमको लिखना नहीं पड़ा। ठीक है, कैलकुलेटेड टेबल हमको लिखना नहीं पड़ा, क्योंकि अगर हम देखते हैं इस फंक्शन को, इधर आप देख सकते हैं कि ग्रुप बाय कॉलम नेम है, उसके बाद फिल्टर टेबल, आप देख सकते हैं फिल्टर टेबल, तो इसके अंदर हमको फिल्टर टेबल फिल्टर का एक इनबिल्ट फंक्शन हमको मिल जाता है। ठीक है, और एक डिफरेंस है कि समराइज कॉलम्स में हमको टेबल का नेम लिखना नहीं पड़ता। ठीक है, अगर हम समराइज को देखें, इधर हमको टेबल का नेम लिखना पड़ा था डेटा सेट वन, लेकिन समराइज कॉलम्स में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इधर हम डेटा सेट वन सेल्स पर्सन हमने पहले लिखे, उसके बाद हमने सेल्स पर्सन को फिल्टर कर दिया। ठीक है, उसके बाद टोटल क्वांटिटी, टोटल सेल्स। ठीक है, अगर हम इसको रन करते हैं तो सेम ही
सेम ही रिजल्ट हमको मिलेगा, टोटल क्वांटिटी टोटल सेल्स। ठीक है, तो सामरा मेन डिफरेंस क्या है, समराइज कलम्स जो है वो समराइज का एक अपडेटेड वर्जन है। समराइज कलम में समराइज में हमको इनबिल्ट फिल्टर नहीं मिलेगा, हमको इसके लिए कैलकुलेट टेबल यूज़ करना पड़ेगा, कैलकुलेट टेबल हमको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन समराइज कलम्स में ऐसा नहीं है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं समराइज कलम, उसके अंदर हम फिल्टर कर सकते हैं। और एक डिफरेंस क्या है कि हमको समराइज में टेबल नेम हमको लिखना पड़ता है, लेकिन समराइज कॉलम्स में हमको टेबल का नेम लिखना नहीं पड़ता। ठीक है, ये है दोनों है मेन डिफरेंस। ठीक है, तो आज का सेशन अब यही ख़त्म करते हैं। तो अगर हमारा काम आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आपका सपोर्ट हम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।